ग्राम पंचायत और केंद्र सरकार की जल जीवन योजना के तहत जहां कोई नल योजना नहीं है, वहीं निजी कुओं से पानी निकालने का टैक्स ग्राम पंचायत की ओर से मनमाने ढंग से वसूला जा रहा है। ग्राम पंचायत कार्यालय ने प्रत्येक नागरिक से चालू जल उपयोग कर 600 रुपए वसूलना शुरू कर दिया है। प्रशासन की इस मनमानी के खिलाफ ग्रामीण आक्रामक हो गए हैं और ग्रामीणों ने अकोला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला कलेक्टर को चेतावनी दी है कि इस अवैध टैक्स को तुरंत रोका जाए, अन्यथा वे क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। बयान के मुताबिक ग्राम पंचायत कार्यालय आले गांव के अंतर्गत नागरिकों की आर्थिक लूट चल रही है। ग्राम पंचायत ने गांव के सभी नागरिकों को घर पट्टी घर पोच प्रदान किया, परंतु उस भूमि पर जल कर सभी नागरिकों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत ने इस टैक्स के अनुसार कोई सुविधा प्रदान नहीं की है। इस संबंध में दिनांक 9 सितंबर 2024 को उक्त कार्यालय में एक शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत ने उस शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, जहां वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश भी मिट्टी की टोकरी जैसा बन गया है। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ ने 3 सितंबर 2024 को दौरा किया। जब पानी पट्टी टैक्स का मुद्दा उठा तो समय अधिकारियों ने मौखिक रूप से कहा कि चूंकि इस गांव में नल योजना नहीं है, इसलिए सामान्य टैक्स लगाया जाए, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस बीच जब सभी नागरिकों ने जीआर मांगा तो ग्राम पंचायत कार्यालय ने जीआर देने से इनकार कर दिया, ऐसा शिकायत में कहा गया है। इससे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा किया जाना दर्शाया गया। नाम अब्दुल जफर है, मैं आलेगांव से रहने वाला हूँ, पातुर तहसील जिला अकोला। हमारे गांव में कोई भी नल योजना नहीं है, जल जीवन की कोनता नहीं होते, साथ ही ग्राम पंचायत ने जो पानी कर 120 रुपए था वो अचानक 600 रुपए कर दिए, उससे पूरे नागरिकों का, हमारे गांव के नागरिकों का विरोध है। उसी कारण से हम आज सीओ के तरफ और जिला अधिकारी के साथ की तरफ निवेदन देकर आए हैं। हमारी एक ही मांग है कि जिला अधिकारी सीओ साहब ने हमारा वो हमारे निवेदन की दखल लेकर जो बड़ा हुआ कर 600 रुपए उसको सामान्य करके शक्ल में वापस 120 रुपए करना चाहिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गुलाम मोहसिन, अकोला। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार, नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार। आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।